आप यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग जो कि मेरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, इसको आप वॉच कर रहे हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स का बहुत सारा वीडियोस मिल रहा है, 9th और 10th क्लास का मैथमेटिक्स और ओ लेवल का मैथमेटिक्स का वीडियोस इसमें अपलोडेड हैं। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। नोटिफिकेशन का बटन ऑन रखें ताकि यूं ही मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए और उस वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। एक्सरसाइज 5.1 और चैप्टर 4 का कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है और आज हम 5.2 के क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका फर्स्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। हम चूंकि फैक्टराइजेशन का टॉपिक कर रहे हैं और अभी तक हमने जो फैक्टराइजेशन के मेथड पढ़े हैं वो 3 मेथड्स हैं जो कि मैं 5.1 एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो मेरे वीडियो को नहीं देखा तो 5.1 वाली एक्सरसाइज देख लें, उसमें तीनों मेथड दिए हुए हैं। इस केस में हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x को सबसे पहले लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ए। अब ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 6 माइनस 3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24। ऑन मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट दिस और माइनस 3 उसी तरह लिख लें। अब आप लाइक टर्म का एडिशन कर लेंगे, 24 माइनस 3 21 होते हैं। अब आपके पास 21 को आपने फैक्टराइज करना है, ये होते हैं 7 3 21, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21। अब आपने इसमें से a को लेना है कॉमन, तो a प्लस 7 मिल जाएगा यहाँ से आपको, और प्लस 3 कॉमन लेना है, a प्लस 7 अगेन आपको कॉमन मिल जाएगा, ए प्लस 7 इंटू ए प्लस 3। अब आपने a को लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के साथ, तो आप उसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x के साथ रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस सॉरी प्लस 5x प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहाँ पे आपने एंड वाले क्वेश्चन पे आके आपने आंसर पे आके आपने देखना ही होता है कहीं इसका मिड टर्म ब्रेक के साथ फर्दर सॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। यहाँ हमारे पास 7 1 7 करेंगे मैक्सिमम तो 5x है, यहाँ 3 1 3 5x तो नहीं मिल रहा हमें, तो
तो इसलिए इसका यही आंसर। अब हम पार्ट टू की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, पार्ट टू में आपके पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज माइनस ट्वेंटी। अब हम इसमें लेट करेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस ये फोर के साथ एक्स भी है फोर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ए। सो ए इंटू ए इंटू ए माइनस वन माइनस ट्वेंटी। अब ये हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस ट्वेंटी। अब इसकी ये मिड टर्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर ए माइनस ट्वेंटी। ए कॉमन लिया ए माइनस फाइव प्लस फोर कॉमन लेंगे ए माइनस फाइव। अभी अब देखें ए माइनस फाइव बस दोबारा कॉमन है इनटू ए प्लस फोर। अब हमने ए को रिप्लेस करना है विद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव के साथ। माइनस फाइव ऑलरेडी है, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। अभी आप देखें कि जो मैं आपको कह रहा था कि एंड पे जाके हमने ये देखना होता है कि कहीं मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही और यहाँ पे कोई फार्मूला वगैरह तो नहीं अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि फार्मूला का एप्लीकेशन ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं आपका फोर वन ज़र फोर फाइव वन ज़र फाइव और माइनस फाइव प्लस वन हो जाएंगे। तो ये इसका मैं सोल्यूशन आपको इधर कर देता हूँ तो स्पेस को बचाते हुए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव। इसमें से आप कॉमन लेंगे एक्स एक्स माइनस फाइव प्लस वन इंटू एक्स माइनस फाइव। अब देखें एक्स माइनस फाइव अगेन कॉमन है और एक्स प्लस वन। ये सारे का सारा आंसर आप यहाँ लिख देंगे। ये वाला पूरा सोल्यूशन ये आपको भी नज़र आ रहा है अपने इस आंसर स्पेस में। आप लिखें एक्स माइनस फाइव और x प्लस वन, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ख्याल रहे कि आप यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग माई एजुकेशनल चैनल देख रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ एक्सरसाइज 5.2 का सोल्यूशन किया पार्ट वन और टू के। नेक्स्ट हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का इसी क्वेश्चन का पार्ट थ्री। इसको आप ज़्यादा केयर के साथ फुल अटेंशन के साथ आप मेरा वीडियोस को देखें और जब पूरा वीडियो कंप्लीट आप देख लें फिर कोशिश करें कि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं अब नंबर मेरा अवेलेबल है, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम इन ऑर्डर टू गेट द रिप्लाई ऑफ योर क्यूरी। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट थ्री है। पार्ट थ्री में है आपको बस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव ज़ीरो माइनस फिफ्टीन।
इसमें आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये मैं निशान लगा देता हूँ, x प्लस टू को आप मिलाएंगे x प्लस फाइव के साथ, x प्लस थ्री को मिलाएंगे x प्लस फोर के साथ, वो ऑलरेडी इकट्ठा लिखा हुआ है। अभी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, और एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन। अभी आपके पास है जी लेट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस टेन इंटू ए प्लस ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के पास बाद में आपको आंसर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू ए प्लस वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन। अब ए स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू ए प्लस वन ज़ीरो फाइव लाइक टर्म्स ही वन ट्वेंटी और फिफ्टीन, ये मैंने सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर दे दिया है। अभी ये मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड है, इससे पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेक वाले कर चुका हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट आपको करूँगा, फैक्टर आप खुद फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर प्लस फिफ्टीन ए प्लस सेवन प्लस वन ज़ीरो फाइव, फिफ्टीन और सेवन को जब आप सम अप करेंगे यू विल गेट ट्वेंटी टू, और फिफ्टीन और सेवन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप प्लस वन ज़ीरो फाइव आ जाएगा। ए कॉमन लिया ए प्लस फिफ्टीन, प्लस सेवन कॉमन लिया ए प्लस फिफ्टीन, अब ए प्लस फिफ्टीन अगेन कॉमन है और ए प्लस सेवन। अभी ए को आप रिप्लेस करेंगे विद एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, क्योंकि हमने ये पहले लेट किया था, सेवन एक्स प्लस सेवन। अब हमने एंड पे जाके देखना होता है कि क्या इसमें मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही, अगर मिड टर्म ब्रेक हो रही हो तो हम मिड टर्म ब्रेक को के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस केस में हमारे पास मीटिंग ब्रेक नहीं होगी तो हमारा यही आंसर होगा। ख्याल रहे कि आप यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग माई एजुकेशन चैनल, जो कि आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू इंप्रूव योर मैथमेटिक्स, बहुत सारा आपको मैथमेटिक्स का मटीरियल यहाँ पे मिलता है, ये आप देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन फोर एक्सरसाइज 5.2 यूनिट 5 है फैक्टराइजेशन। हम पहले थ्री पार्ट कर चुके हैं, अभी हम क्वेश्चन फोर की तरफ जा रहे हैं, और एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट बी फोर्थ ही है। इट इज एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस सेवन माइनस फाइव ज़ीरो फोर। इन दो का मल्टीप्लिकेशन करें डायरेक्ट, इन दो का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी। मल्टीप्लिकेशन ईजी है इसलिए मैं वो स्टेप्स शो नहीं कर रहा, माइनस एक्स माइनस फोर्टी टू माइनस फाइव ज़ीरो फोर। अभी लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, ए माइनस ट्वेंटी इंटू ए माइनस फोर्टी टू माइनस फाइव ज़ीरो फोर।
अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 62 ए प्लस 840 हो जाएंगे माइनस 504। अब ए स्क्वायर माइनस 62 ए, अब 840 से अब माइनस कर देंगे 504। ये आपके पास बनते हैं प्लस 336। अभी चूंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मिड टर्म में हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैं इसको डायरेक्ट कर दूँ, आप फैक्टर्स फाइंड करके करेंगे इसको। ए स्क्वायर माइनस 56 ए माइनस 6 ए प्लस 336। ये कॉमन ले लें, ए माइनस 56 माइनस 6 कॉमन आ जाएगा ए माइनस 56। अब ए माइनस 56 अगेन कॉमन है और ए माइनस 6, ए को अपने रिप्लेस किया था, लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ, एंड बे इसको रिप्लेस कर दें, और यहाँ पे भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 हो जाएगा। अब आप देखें इसमें मिड टर्म ब्रेक होती है, ये भी मिड टर्म ब्रेक से आप सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर देने के लिए। ये होता है आपके पास होता है 8 7 56, तो 8 का साइन आप नेगेटिव रखना पड़ेगा आपको, एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 7, इसकी मिड टर्म ब्रेक के बाद ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये होता है 6 होते हैं 3 2 6, क्योंकि नेगेटिव साइन हमें चाहिए, 3 का साइन आप माइनस कर दें, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फैक्टराइज हो गया जी ये वाला पार्ट भी आपका। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।